नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके हाथों की अंगुलियों के बारे में। आपके हाथों की अंगुलियां आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन के बारे में कैसी जानकारी देती हैं और हाथों की अंगुलियों से आपके बारे में क्या पता लगाया जा सकता है, आज जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 मार्च 2024, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 10:49 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 6:10 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 18 मार्च 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल, शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज हाथों की अंगुलियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथों की अंगुलियां आपके बारे में क्या बताती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा अंगुली की। हाथ की सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा अंगुली कहते हैं। ये उंगली बताती है आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, पैसे रुपए के बारे में और आपकी बुद्धि के बारे में, आपके ब्रेन के बारे में। कहने को तो इसे छोटी उंगली कहते हैं, लेकिन ये उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उच्च पद प्राप्त करता है। ये उंगली लंबी होने का मतलब ये है कि आपका दिमाग बहुत तेज है, ब्रेन बहुत शार्प है और पैसे रुपए के मामले में, बिजनेस के मामले में आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। अगर ये उंगली छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। यानी इस उंगली का छोटा होना या टेढ़ा मेढ़ा होना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। अगर आपके हाथ में छोटी उंगली बहुत छोटी है या टेढ़ी मेढ़ी है, गड़बड़ है, तो भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी की अंगुलियों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे
स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी, नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है, वाद विवाद आपके हल होते जाएंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, यात्राओं में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी उंगली की, जिसका नाम है अनामिका उंगली, रिंग फिंगर कहते हैं। छोटी उंगली के ठीक बगल वाली जो उंगली है ये है अनामिका उंगली। ये वो उंगली है जिसमें आम तौर पर सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। इस उंगली से व्यक्ति की भावनाएं, उसका स्वास्थ्य और उसका नाम और यश देखा जाता है। ये उंगली अगर ज्यादा लंबी हो जाए तो व्यक्ति बहुत क्रोधी और बहुत दुस्साहसी होता है। ये उंगली अगर मिडिल साइज की हो, मध्यम आकार की हो, न बहुत लंबी हो न बहुत छोटी हो, तो उत्तम होता है। ये उंगली अगर तर्जनी उंगली से, यानी पहली उंगली से, अगर ये उंगली लंबी है तो ऐसे लोग जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त करते हैं। ये उंगली आदमी को जीवन में यश देती है, और इस उंगली से आदमी के अंदर नाम यश प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। अगर मान लिया आपकी अनामिका उंगली टेढ़ी मेढ़ी है या अनामिका उंगली गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। अगर आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जानते हैं मध्यमा उंगली के बारे में, मिडिल फिंगर के बारे में। हाथ के बीचों बीच की जो उंगली होती है, जो सामान्यतः सबसे ज्यादा लंबी होती है, इसे मिडिल फिंगर या मध्यमा उंगली कहते हैं। ये उंगली मुख्यतः शनि ग्रह से संबंध रखती है, और इस उंगली से व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता देखी जाती है। व्यक्ति कितना मेहनती है, उसका रोजगार कैसा है, उसका करियर कैसा है, वो सोचता कितना है, मेहनत कितनी करता है,
ये उंगली जितनी लंबी हो और जितनी सीधी हो उतनी ही तेजी से व्यक्ति करियर में उन्नति करता है। अगर ये उंगली बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो और लंबी हो तो आप जीवन में मेहनत करेंगे, रोजगार में प्रयास करेंगे और रोजगार में करियर में आपको सफलता मिलेगी। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है या अनामिका अंगुली से छोटी है तो जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हर कदम पर हर छोटे छोटे काम के लिए जीवन में स्ट्रगल करना होगा। अगर मिडिल फिंगर पर मध्यमा अंगुली पर अगर तिल है तो व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मध्यमा अंगुली पे तिल होने का मतलब जीवन में दुर्घटनाएं हैं, एक्सीडेंट है। अगर ये उंगली गड़बड़ है तो इसका मतलब ये है कि शनि का प्रभाव आपके लिए गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में अपने मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला पहन ले। ऐसा करने से इस उंगली का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन का लाभ हो सकता है। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं तर्जनी उंगली की, इंडेक्स फिंगर की। अंगूठे के ठीक बगल की जो उंगली है, जो पहली उंगली है, उसको तर्जनी उंगली कहते हैं। इस उंगली से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, नेतृत्व करने की क्षमता और उसकी उन्नति देखी जाती है। ये उंगली बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरी होती है। इस उंगली के अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकतवर उंगली इसको मानते हैं। अगर ये उंगली लंबी और सीधी है तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है। ये उंगली अगर अनामिका उंगली के बराबर हो, रिंग फिंगर के बराबर हो,
तो व्यक्ति धूर्त और चालाक होता है। ये उंगली इतनी ऊर्जा वाली होती है कि कहा जाता है कि जो फल हैं, फूल हैं, पौधे हैं, उनकी तरफ इस उंगली से इशारा मत करिए, वो पौधे सूखेंगे, फल खराब होंगे। अगर आप उंगलियों से मंजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में तर्जनी उंगली से दांतों को साफ मत करिए, मिडिल फिंगर से करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तर्जनी उंगली से दांतों को साफ करेंगे तो आँखों में समस्या होने की संभावना बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस उंगली की वजह से आपको जीवन में आध्यात्मिक फायदा हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी ऊर्जा ठीक बनी रहे, तो तर्जनी उंगली में सोना धारण करने से व्यक्ति को बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस उंगली में सोना या पीतल का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में इस समय नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, नौकरी में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, सेहत में आपके सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें, जल्दबाजी से इस समय बचाव करें, बड़ों के साथ विवाद से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। डायबिटीज कंट्रोल करने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। 8-10 पत्ते आम के तोड़ लाइए, इसको अच्छी तरह से पानी से धो के एक लोटे पानी में या एक जग पानी में भिगा दीजिए। रात भर इसको पानी में भीगे रहने दीजिए और सुबह पत्ते हटा दीजिए। इस पानी को दिन में थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार पीजिए। अगर आप ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक करके देखें तो आप डायबिटीज को, मधुमेह को नियंत्रित कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 मार्च 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 मार्च को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें,
इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।